हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट दही वड़ा रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये इंस्टेंट दही वड़ा हम सूजी से बनाएंगे। ये दही वड़ा बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए इंस्टेंट दही वड़ा रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने हाफ के जी दही लिया है, इसमें हम 6 से 7 टेबल स्पून हमने शुगर ली है। ये हाफ के जी दही में हम मिक्स कर लेंगे और इसे फ्रीज में रख देंगे ताकि ये हमारा दही भी ठंडा होता रहे और शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी तब तक जब तक कि हमारा दही वड़ा बन रहा है। ये हमने 1 कप बारीक रवा लिया है सेमोलिना। जितना हमने रवा लिया है उतना ही हमने दही लिया है। ये दही भी हमने सेम कप से मेजर किया है। ये 1 कप रवे में हम ये 1 कप दही डाल देंगे। इसके साथ ही हम ये नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, मैंने 1 टीस्पून लिया है। थोड़ा सा हम जिंजर और थोड़ा सा हम हरी मिर्च लेंगे जिसे हमने बारीक कट करके लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। पहले सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें हमें अभी थोड़ा सा ही पानी डालना है जो हम इसी चमचे से मेजर करेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून हम पानी इसमें डालेंगे। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही का भी पानी होता है। जैसे हम उड़द की दाल के वड़े बनाते हैं वो टाइम जैसे कंसिस्टेंसी हमें चाहिए रहती है आटे की, वैसे ही कंसिस्टेंसी हमें इस आटे की भी चाहिए। अच्छी तरह से हमारा बैटर बना है। अभी हम इसे 5 मिनट ऐसे ही रखेंगे, पर उसे रखने से पहले हम इसमें 1/8 टीस्पून हमने खाने का सोडा लिया है, मीठा सोडा जो हम इसमें डाल के रखेंगे और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। जब तक कि हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, ये एक दूसरे पतीले में हमने 1/2 लीटर पानी लिया है जिसमें हम ये 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/8 टीस्पून हींग डालेंगे। ये हम हींग का पानी बना के इसे रख देंगे। आइए हम वड़ा फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए दूसरे साइड से कलर आ चुका है तो हम इसे पलट लेंगे। अच्छा कलर आ चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं। पहले हम सभी वड़े निकाल के रखेंगे, फिर एक साथ ही इसे पानी में डालेंगे ताकि एक साथ ही सभी भीगेंगे। सबका कलर आ चुका है, अभी हम इन सबको निकाल लेते हैं। बाकी का बैटर भी हम डाल लेते हैं। जो हमने सूजी लिया था इतने सूजी से हमारे 10-12 वड़े बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर लेती हूँ और वड़ों को निकाल लेती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे वड़े कितने अच्छे बने हैं। एक हम तोड़ के दिखाते हैं आपको कि अंदर से कैसा बना है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए पूरा मतलब वो फूल चुका है, बाहर से एकदम क्रिस्पी बने हैं। तो अभी हम इन्हें हींग के पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के लेंगे। जो पहले हमने हींग का पानी बनाया है, एक साथ ही सबको डाल रहे हैं ताकि सभी एक साथ ही भीग के तैयार हो जाए। एकदम गरम गरम नहीं डालना है, नहीं तो पूरे वो उसमें पिघल जाते हैं वड़े, तो इसलिए थोड़ा ठंडा करके डालना है। 5 मिनट हम इसे ढक के रखते हैं। दही में हमने शक्कर को मिला के रखा था। ये देखिए पूरा शक्कर इसमें पिघल चुका है। अभी हम ये एक बाउल लेंगे जिसमें हम ये छन्नी इसमें डाल के दही को छान के लेंगे। इससे बहुत मार्केट जैसा क्रीमी दही होता है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छाननी से निकलने के बाद हमारा दही कितना क्रीमी और कैसा बना है। एकदम मार्केट में जैसा मिलता है दही वड़ा, उस टाइप का दही हमारा बना है। तो अभी हम इसे वड़े के ऊपर डाल के सर्व कर लेते हैं। ये दही में हम 1 टीस्पून नमक डाल के मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है कि हमारा दही कितना अच्छा बना है। ये मैंने जो छाननी से छान लिया है, तो उसके बाद में एकदम मार्केट में जैसा मिलता है दही वड़े में दही, वैसा दिख रहा है हमारा दही। एक बाउल में हमने ये 3 वड़े निकाल लिए हैं। अभी इसके ऊपर हम ये दही डालेंगे। आपको दिख रहा है हमारा दही कितना अच्छा बना है वो। अभी ये भुने हुए जीरे का पाउडर है, ये थोड़ा सा काला नमक है, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये पुदीना की हरी चटनी है, और ये इमली की चटनी, थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डालेंगे, और कुछ अनारदाना हम इसके ऊपर से डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दही वड़े की डिश कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको अंदर से ये वड़ा कितना सॉफ्ट बना है ये दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना है हमारा वड़ा। ये देखिए जैसे हम मार्केट में खाते हैं उस तरह का हमारा वड़ा बना है, और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा इंस्टेंट दही वड़ा बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।